2022 में फिर से योगी आए, अध्यक्ष मायावती या कोई और? देखिए, सरकार सांप्रदायिक रही है, देश में जहर घोल दिया है, जातिवाद नफरत का, किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी किसी को मारा जा रहा है, किसी को, ये सारी चीज़ें देखना पड़ती है ना। अच्छा, पहले भी तो देश चल गया था, पहले भी तो लोग मिलजुल के रहते थे, अब क्यों? सर, योगी सरकार के काम को किस तरह से आपने? कोई भी काम नहीं करवाया, सब बेकार, मतलब फालतू वाले काम करते। और बताओ, आपको नौजवान से रोजगार मिला है? नहीं नहीं कोई रोजगार नहीं मिला है, और बेकारी है, पहले से और बेकारी हो गई, सारी जनता परेशान है सरकार। जो गल्ला ही मिल गया लॉकडाउन में, क्या मिला है? और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बैठे तो भूखे के कारण बैठूंगी, भूखे के कारण बैठूंगी, काम नहीं, धंधा नहीं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के कार्यकाल को, उनके कामकाज को किस तरह आंकती है, और 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरफ जो है वोट जाने वाला है? क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद हामिद। काम कैसा चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, तो 4 साल योगी सरकार को गए, कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। अच्छा, हमें तो कोई योजना ही नहीं मिली है। तो योगी सरकार को किस तरह आते हैं? अब किस तरह से जाँचे हैं? जब हमारा कोई फायदा ही नहीं हुआ है, कोई स्कीम ही नहीं मिली है हमें अभी तक। तो 2022 में फिर से योगी आए, अखिलेश, मायावती या कोई और? अखिलेश ही आएंगे। अखिलेश क्यों? उनके काम बहुत करवे हैं। क्या काम? बहुत करे हैं। क्या काम किया अखिलेश? बहुत से काम करे हैं उन्होंने, रोड के बहुत विकास करे हैं। योगी ने भी बहुत किए, योगी के क्यों पसंद नहीं है? योगी के क्या, मुसलमान और हिंदू पर्च बहुत हो गया इसमें ज़्यादा, और क्या है, वो तो कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब वैसे तो उड़ी पड़ी हैं सब बातें। अच्छा, आपके कामकाज को क्या फर्क पड़ा है, मतलब 4 साल में? मेरे कामकाज के तो जो हो गया लॉकडाउन जब से लगा है, जब से मेरा काम धंधा पट। अच्छा, बॉर्डर पार करके काम है, जा नहीं पाते हम, मतलब उत्तराखंड में। उत्तराखंड में काम है। हाँ, तो लॉकडाउन ये तक होना तो जो है, ये तो बीमारी से जो है लॉकडाउन से, तो मतलब लॉकडाउन में जो सहूलियत मिली वो आपको मिला कुछ? हमको कुछ नहीं मिला, राशन मिला बस। राशन मिला? हाँ, राशन मिला। क्या नाम हुआ आपका? फरमान अली। फरमान अली, फरमान अली साहब, 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, 4 साल में क्या सरकार काम कर रही है? देखिए, ये सरकार सांप्रदायिक रही है, देश में जहर घोल दिया है इसने, जातिवाद नफरत का, ठीक। आने वाले टाइम में सपा सरकार ही आना है। सपा क्यों? सपा पे भी तो यही आरोप लगते हैं जातिवाद के। लगते हैं तो हर पार्टी में लगते हैं, लेकिन ये तो सब आंखों देखा है भाई, कहीं किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी किसी को मारा जा रहा है, किसी को, ये सारी चीज़ें से देखना पड़ती ना। अच्छा, पहले भी तो देश चल गया था, पहले भी तो लोग मिलजुल के रहते थे, अब क्यों? यही सब है, मतलब मॉब लिंचिंग ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई, लोगों के हरेसमेंट ज़्यादा हुए। अभी देख लीजिए, ताज़ा यहाँ 28 नोटिस आए हैं जिला पंचायत की तरफ से, जो लोग फेरी वाले हैं उनको भी नोटिस दिया, उनको दिखा दी कपड़े की दुकानें, जो टेलर लोग हैं उनको दिखा दिया कपड़े के शोरूम, ये 4-4 रुपए कमाने वाले हैं, जिस कपड़े के शोरूम दिखा दिए उन पर 40-40 हज़ार रुपये की पेनल्टी भेज दिया है, क्या चीज़ है ये? ये भी तो सब हरेसमेंट है। 28 लोगों के आए हैं, इसमें 26 मुस्लिम हैं, केवल 2 दिखाने के लिए उन्होंने हिंदू डाल रखे हैं, ये भी तो सोचना मतलब है। इस सरकार में पक्षपात हुआ है? पक्षपात बहुत हो रहा है, हुआ क्या, अब तक हो रहा है, अभी भी आगे प्लानिंग चल रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग में सरकार की थोड़ी कमी है? सरकार की छूट है ना, लोकल विधायकों की छूट है, तभी तो लोग इतना आगे आ रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, पहले कब था ये? अच्छा, मॉब लिंचिंग की बात आई तो मॉब लिंचिंग को लेकर टेलीविज़न मीडिया की बहुत बात होती है कि मीडिया ने जो है नफरत भी की फैलाई। मीडिया तो है ही है, बीज बोने वाला जो बड़े बड़े चैनल हैं जो अपना मतलब दुकानें चला रहे हैं, बस वही सबसे बेहतर है। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? 2022 सपा सरकार आएगी, सपा सरकार की उपलब्धियाँ काफ़ी रही हैं जी। अब देख लीजिए, ये हाईवे है, स्टेट हाईवे उसी की देन है, या अपना बराबर में मुड़िया मुकर्रमपुर में शेड्यूल बनाया, आज पूरे 5 साल निकल गए, कहाँ चालू हो पाया? ये कह रहे हम UPSID चालू कर देंगे, कहाँ हो पाया उसमें? रोड तो गड्ढा मुक्त कर दिया और पूरा जो है विकास, कहाँ गड्ढा मुक्त? हाईवे हम दिखा देते हैं, हम आपको गड्ढा
रोड किनारे तो अलग बात रही, हाईवे में दिखा देते हैं गड्ढा अभी। अच्छा, अभी बीजेपी में ही आपसी खींचातान चल रही है और दो गुट में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका क्या कहेंगे आप? वो सब उनकी नाटकबाजी है, वो जाने हम क्या जाने, हम राजनीति में थोड़ी ना कोई पड़े हुए। तो आम जनता किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? आम जनता हमारा क्षेत्र पर सब यह खुशहाली की तरफ जाएगा और जाहिर सी बात है सपा सरकार में चुनेगा। सपा पे भी तो आरोप लगते हैं कि ये जो है भ्रष्टाचार कराया, तभी जो है लोगों ने इनको सत्ता से बेदखल किया है। भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में कम है क्या? पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है, डीजल का क्या रेट है अब देख लीजिए, गैस देख लीजिए, सब्सिडी खत्म, 18 रुपये डालते हैं सब्सिडी के नाम से। तो जो है मीडिया तो कहती है राष्ट्र हित में जो है इतना पेट्रोल खरीदना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पहले नहीं खरीदते थे लोग? पेट्रोल महंगा खरीद लो कोई बात, और देशों में इससे ज़्यादा क्या सस्ता है या महंगा आप देख लीजिए, ठाक पड़ोसी देश है मौसम में सस्ता, कहीं महंगा कर रखा, कुछ तो देखेगी जनता। तो इनके हिसाब से सपा सरकार आया, और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद खान। क्या लगता है, तो 4 साल योगी सरकार के काम को किस तरह से आपके? कोई भी काम नहीं करवाया, सब बेकार, मतलब फालतू वाले काम करवाए, और कोई काम नहीं। आप नौजवान हैं, रोज़गार मिला है? नहीं नहीं, कोई रोज़गार नहीं मिला है हमको, और बेकारी है, पहले से और बेकारी हो गए, सारी जनता परेशान है सरकार। क्या काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर मुराम अप्लाई में ठेकेदार हूँ। तो इस सरकार में आपके हिसाब से कोई काम नहीं है? ना मेरे साथ कोई काम। योगी जी तो कहते हैं बहुत विकास हुआ है, उन्होंने अपने घर पर करवा लिया और फिर तो विकास, यहाँ जनता के लिए कुछ नहीं करवाया ना, कुछ जनता के लिए करवाया तो कुछ जनता कुछ बोलती भी उनके लिए। तो 2022 में किसे देखते हैं आप? तो 2022 में हमारी साइकिल चलेगा। साइकिल क्यों? जी साइकिल से बहुत सुविधाएं मिली, पहले भी मिली और मिलती आई हैं। मतलब योगी से नाराज़ आप? नहीं नाराज़ क्यों होंगे, नाराज़ तो किसी से नहीं है, बट काम के जरिए मतलब आदमी परेशान है, उसको कोई देखा भली कम से कम बड़े आदमी। उन पर भी तो आरोप लगता है कि सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, ज़मीन पर कुछ काम नहीं करते हैं। नहीं नहीं, इनको ऐसे कुछ लगाते हैं कोने वाले नेताओं के लिए, पीछे तो सब पढ़ते ही हैं, ऐसा कोई नहीं होता, सब पढ़ते हैं। अब किसी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके अलग अलग लैंग्वेज, तो किसी से कोई कुछ भी बोल सकता है। तो आप नौजवान हैं, आपको योगी से उम्मीद नहीं, अखिलेश से उम्मीद है? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या उम्मीद है अखिलेश से? उम्मीद क्या, मतलब कोई दिक्कत होती है या कोई मतलब परेशानी, मतलब इतनी परेशानी नहीं आई जैसे अब पहले परेशानियाँ आ रही हैं, पहले से ज़्यादा ही हैं कुछ परेशानियाँ आदमी यही सब, मतलब वो रोजी रोटी मतलब आदमी सही करके चैन से नहीं खा पा रहे, ना पी पा, ना चैन से रह पा रहे, यही दिक्कत है आदमी को सारी, और आदमी को सही होता, जनता को और कैसे ही होता है। तो आप योगी सरकार को नहीं आँकते हैं कि सही रही? जी आप जो योगी सरकार को सही नहीं आँकते हैं? ना ना ना, और भी लोग हैं उस साइड में, बात करेंगे और लोगों का किस तरह से रुझान है 2022 में, किसकी सरकार बने, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से आएँ, अखिलेश यादव, मायावती, क्या कोई और, आम जनता क्या चाहती है आम जनता की तरफ। क्या नाम हुआ आपका? मेहंदी है सर। क्या चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए ऐसा है भैया, क्या कहें योगी सरकार में क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या जो है आपको फ़ायदे मिले? सब फायदे मिलने हैं भैया, क्या करा जाए, और यह है कि गल्ला मिल रहा थोड़ा सा, क्या अच्छा गल्ला मिल रहा है, मतलब काम हुआ है 4 सालों में, और जो गल्ला ही मिल रहा लॉकडाउन में, क्या मिला है और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बैठे तो भूखे के कारण बैठे हुए जी, भूखे के कारण बैठे हुए, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, लड़कियों का साथ है, क्या करें क्या नहीं करें, मजबूरी में बैठे हुए। क्या काम करते हैं? हम फर्नीचर काम करते थे, फर्नीचर का जी हाँ। तो लॉकडाउन से फर्नीचर के काम पे क्या क्या फर्क? बिल्कुल फर्क, काम ही नहीं है बिल्कुल, ये हाथ कट गया उसमें बैठे हैं, इसका कोई विकलांग नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। है मजबूरी में बैठे हुए हैं। तो क्या अप्लाई करा आपने? अप्लाई करा नहीं, बनाया उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा? क्या कि भाई आपका नहीं बनेगा, अब हाथ से मजबूर है, हाथ से काम ही नहीं होता आपका, जो है क्यों नहीं बनेगा, कोई वजह तो बताई होगी? क्या पता उन्होंने, मतलब लोगों को बने, हमारा नहीं बना। अच्छा। हाँ बरेली गए हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं बना, लहड़ी से कहले गए वहाँ भी नहीं बना, लड़कियों का साथ है, अब बेटी की शादी करी उसमें कर्जा हो गया, कर्ज वाले लोग सिर पर चढ़े हुए हैं, बैठे हुए कभी दिल में जाता कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे, हैं बहुत मजबूरी है, इतनी मजबूरी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ जो है विधायक या किसी जो है कोई कुछ नहीं सुनने वाला, उनका यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होनी चाहिए और अखिलेश यादव का लोगों का यहाँ मानना है।